तंबाकू की इल्ली, टोबैको कैटरपिलर। किसान भाइयों कैसे हो? तंबाकू की इल्ली का नाम तो जरूर सुना ही होगा आपने, है ना? क्या आप जानते हो ये इल्ली केवल तंबाकू ही नहीं बल्कि अन्य फसलों को भी खाकर उन्हें बर्बाद करने में सक्षम होती है। इसका मतलब यह बहुभोजी इल्ली है जो अनेक फसल जैसे कपास, धान, टमाटर, मूंगफली, मक्का, मिर्च आदि आदि आदि। उफ, ये लिस्ट बहुत लंबी है किसान भाइयों। चलिए बताते हैं कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। इस कीट की इल्ली के शरीर पर मखमली काले रंग के साथ पीले रंग एवं हरे रंग की धारियां पाई जाती है। यह इल्ली आपको अक्सर पत्तों पर मिल जाएगी। यह कीट का आक्रमण अधिकतर 26 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं आर्द्रता 90% होने पर अधिक होता है। इस कीट की युवा इल्ली पत्तियों को खाकर उनको खुरच देती है। बड़ी इल्ली चारों तरफ फैलकर पौधों की पत्तियों को पूर्णतः नष्ट कर देती है, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इस कीट की इल्ली अधिकतर रात के समय में ही नुकसान करती है और दिन के समय पौधों के निचले हिस्से या फिर मिट्टी में छिप जाती है। अधिक आक्रमण होने पर यह पूरी पत्ती को खा जाती है और केवल पत्तियों के डंठल ही छोड़ देती है। इस रोग से बचाव के लिए खेत की गहरी जुताई करें, जिससे इस कीट के प्यूपा मिट्टी की सतह पर आकर मर जाएंगे। खेत की सीमा पर ट्रैप यानी जाल फसल के रूप में अरंडी के पौधे लगाएं। शाम के समय खेत में प्रकाश पाश लगाएं। नर कीट को आकर्षित करने के लिए 6 फेरोमोन ट्रैप फेरोडिन SL प्रति एकड़ में लगाए। खेत में पक्षियों के बैठने के लिए बर्ड पर्च लकड़ी का स्टैंड लगाए। इस कीट की इल्लियां दिखाई देने पर क्लोरपाइरीफॉस 20% EC तीव्र की 0.8 लीटर मात्रा का घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें, या ट्राइक्लोरफोन 5% GR की 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। ये इल्ली यदि सही समय पर नियंत्रित ना की जाए तो 80-90% तक उत्पादन में हानि संभव है। इसलिए सही वक्त पर सही उपाय ही इससे बचाव का सही समाधान। मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद। फसल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि ई ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कृषि ई ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें।